देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लाइव प्रूफ हम आप सबको दिखा दें। इस एप्लीकेशन से जो है 5 लाख रुपया का लोन ऑफर्स किया गया है, लोन ऑफर्स नहीं किया गया है, इसको जो है 2 दिन के अंदर जो है हमारे अकाउंट में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन कंप्लीटेड बता रहा है, कांग्रेचुलेशन। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2 वर्किंग डेज, मतलब 2 दिन जो है हमारे एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है 2 दिन के बाद इस पैसे को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है लोन अप्लाई कैसे करना होता है ये चीज आप नहीं समझते हो, फटाफट जो है आप किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने चले जाते हो और आपका लोन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में आप सबको पता होगा कि हम हर दिन जो है एक नया एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते हैं और लोन लेकर आप सबको दिखाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो 14.5% का इंटरेस्ट रेट लगाया गया है और मेरा EMI जो है 31,075 रुपया आ रहा है, जो कि टर्नओवर मंथ हम 18 मंथ तक सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आप अपने 24 घंटे में से मात्र 5 मिनट का समय निकालो और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके देखो। अगर आपको 10 रुपया का एक सिगरेट भी खरीदना होगा तो आप लोन के पैसे से जो है आप अपने सिगरेट खरीद सकते हो, या इमरजेंसी कंडीशन में फंसे हो तो यहाँ पे इजीली तरीका से जो है आप लोन अप्लाई कर। तो चलो अब बकैटी को करते हैं साइड में और डायरेक्ट हम आप सबको लोन अप्लाई करके दिखाते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लोन अप्लाई किया जाता है और यहाँ पे ट्रिक कौन सा उपयोग किया जाता है, जो कि हर लोन एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई करोगे तो आपका लोन जो है 100% अप्रूव हो जाएगी। देखो लोन एप्लीकेशन का नाम जो है IIFL लोन है, जो कि इंस्टेंट आपको लोन प्रोवाइड करता है। इसका रेटिंग आप देखोगे तो यहाँ पे 4.3 का रेटिंग दिया गया है और यहाँ पे अबाउट दिस ऐप का एक सेक्शन मिलता है। इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखाया जाता है, यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगने वाला है, सारा चीज जो है आप सबको यहाँ पे बताया जाता है। तो बिल्कुल जो है आप सबको यहाँ पे एक बार रीड कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे जो हाईलाइट है मैं आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि अगर आप लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास जो है कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी में जो है आपका एज 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में जो है आप सबके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट होता है तो अच्छी बात है, आपका लोन लिमिट जो है कुछ ज्यादा मिल सकती है। तो चलो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम आप सबका नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे लोन अप्लाई करके दिखा देते हैं। फाइनली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया, उसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करोगे, आप सबके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जाएगा। यहाँ पे जो है आप सबको सीधी बात बताया जाता है कि यहाँ पे लोन इंस्टेंट आपको अप्रूवल मिल जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले जो है आप सबको अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद OTP के साथ जो है वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे सेट MPIN पूछा जाता है, मतलब इस एप्लीकेशन में आप दोबारा लॉग इन होंगे तो आपको जो है यहाँ पे MPIN डालकर आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का जो है MPIN सेट कर लेना है, MPIN यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, MPIN सेट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन मिलता है, कंटिन्यू पे क्लिक कर आपको आगे बढ़ जाना है। MPIN सेट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है आपसे आपका फुल नेम मांगा जाता है, तो जिनके नाम से आप लोन अप्लाई करने वाले हो, जिनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने वाले हो, उनका जो है नाम यहाँ पे फिल करना है, email ID उनका पर्सनल यहाँ पे दे देना है। उसके बाद नीचे जो है कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है आप सबको होम पेज दिख जाता है, यहाँ से जो है अब आप गोल्ड लोन अप्लाई कर सकते हो, पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे होम लोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है काफी चीजों का आप लाभ उठा सकते हो। नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे रेफर एंड अर्न का भी जो है ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर आप किसी फ्रेंड के पास रेफर करते हो और वो इस लिंक के माध्यम से लोन अप्लाई कर लोन लेता है तो आपको जो है 2,000 रुपया का जो है यहाँ पे कैशबैक भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफर एंड अर्न में भी जो है इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। तो फाइनली हमको जो है यहाँ पे लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलता है, पर्सनल लोन पे क्लिक कर हम आगे बढ़ जाते हैं। पर्सनल लोन पे क्लिक करने के बाद जो है आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जाता है। यहाँ पे जो है आप सबको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करना होता है, जो कि पैन कार्ड के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर फिल करना है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर जो है आप सबको आगे बढ़ जाना है। फाइनली जब आप आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना होता है, जैसे कि आप सबको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होता है, जेंडर सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद जो है यहाँ पे पिन कोड KYC रिकॉर्ड, मतलब आपके एरिया का जो पिन कोड है, जो आपके आधार कार्ड पे पिन कोड दिया गया वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर आप सबको आगे बढ़ जाना है। अब आप जैसे ही आगे बढ़ते हो आप सबके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जाता है।
यहाँ पे जो है आप सबका लोन ऑफर्स दिखाया जाता है, मतलब आपके सिविल के अनुसार जितना भी आपका लोन लिमिट होता है वो लोन लिमिट यहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा 5 लाख रुपया दिखा रहा है, आपका यहाँ पे इससे कम हो सकती है या इससे ज्यादा हो सकती है, आपके सिविल के बेस पे जो है ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो है 18 मंथ के लिए हमको लोन ऑफर्स किया जा रहा है, जो कि ईएमआई जो है 31,075 रुपया का आ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बताया गया कि 5 लाख रुपया हम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट में जो है 4,85,250 रुपया जो है भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका दिखाया जाएगा, कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स आपको देख लेना है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। अब फाइनली जैसे ही आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है आप सबका लोन डिटेल्स दिखाया जाता है, मतलब यहाँ पे जो है लोन किस रीजन से आप ले रहे हो लोन यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो पर्सनल लोन सेलेक्ट करोगे, अगर आप एजुकेशन के लिए ले रहे हो या कार खरीदने के लिए ले रहे हो या किसी चीज के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे जो है आप अपना रीजन डाल सकते हो, बट यहाँ पे हम रेफर करेंगे कि आप यहाँ पे पर्सनल लोन ही चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आप सबको नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर आप सबको आगे बढ़ जाना है। अब फाइनली जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो है आप सबको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स में जो है आप सबको यहाँ पे अपना एजुकेशन लेवल, मतलब कितना क्लास तक आप पढ़ाई किए हो, यहाँ पे जो है आप सबको फिल करना है। उसके बाद नीचे जो है आप सबको अपना फादर्स नेम फिल करना है। उसके बाद नीचे जो है आप सबको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, आप अखंड सिंगल हो या शादीशुदा हो, जो भी हो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर जो है आप सबको आगे बढ़ जाना है। अब फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, मतलब अब यहाँ पे जो है आप सबको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों जो है आप सबको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले जो है आप सबको अपना एक सेल्फी अपलोड करना है, सेल्फी जो है आप सबका क्लियर आना चाहिए, आपके रूम में जो है लाइट होना चाहिए, आपका फेस जो है कटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे आप मोबाइल से सेल्फी ले रहे हो तो यहाँ पे सीधा मोबाइल में जो है तकना है, फेस जो है आपको टेढ़ा करके सेल्फी नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पे भी गलती करते हो तो आपका लोन जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद नीचे बताया जाता है कि आपको जो है अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो आपको अपलोड करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होता तो आप यहाँ पे राशन कार्ड दे सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट आप एड्रेस का यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नीचे जो है आप सबको एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को टिक करना होता है, टिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन मिलता है, कंटिन्यू पे क्लिक कर जो है आप सबको आगे बढ़ जाना है। अब फाइनली जैसे ही आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बताया जाता है कि अपलोड योर एड्रेस प्रूफ, मतलब यहाँ पे जो है आप सबको अपना पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी कार्ड, इसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट ऑनलाइन ई केवाईसी दिया गया, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे आपके डॉक्यूमेंट से जो भी नंबर लिंक होता है उस पे ओटीपी भेज जाएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पे वेरीफाई कर दोगे, आपका केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद जो है आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल बताया गया, मतलब यहाँ पे जो है आप सबको सारा अपना एड्रेस डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे बताना है कि जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या रेंट पे लिए हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस घर में आप रह रहे हो किस जगह है, उसका नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है लाइन नंबर 2, मतलब किस एरिया में आपका घर पड़ता है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। पिन कोड यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर जो है आप सबको आगे बढ़ जाना है। और फाइनली जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया कि पर्सनल लोन के लिए आप जो है 5 लाख रुपए अप्लाई किए हो, जो कि यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बताया गया है 14.5% का। ईएमआई जो है 31,075 रुपए आने वाला है। टर्नओवर मंथ जो है 18 मंथ के लिए दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपके अकाउंट में कितना रुपया भेजा जाएगा, यहाँ पे क्लियर तौर पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया गया कि आप 5 लाख रुपया लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 14,750 रुपया जो है प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा। पर ईएमआई जो है आपका 5,363 रुपया फिल करना होगा और टोटल पैसा जो है आप सबके अकाउंट में 4,79,887 रुपया भेजा जाएगा। मतलब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे या इसको जो है आप बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लोगे। यहाँ पे रीड करने के बाद जो है आप सबको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। अब फाइनली जैसे ही आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है आप सबको ऑटो ईएमआई पेमेंट सेट करना है, मतलब यहाँ पे जो है आप सबको अपना एक अकाउंट ऐड करना है जिसमें जो है पैसा भेजा जाएगा और इसका ईएमआई जो बनेगा वो इसी अकाउंट से जो है डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सबको अपना एक एक्टिव बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ऐड हो गया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं होता है, मात्र आपको यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम और किस बैंक में आपका खाता है वो
आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे ऑटो ईएमआई पेमेंट सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप सबको सेट कर लेना है, सेट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे जब आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जाएगा। यहाँ पे जब आप सबको कुछ जानकारी दिया जाएगा जो कि आप इसको रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप सबको दो तरीका मिल जाता है, पहला मिल जाता है डेबिट कार्ड और दूसरा मिल जाता है नेट बैंकिंग। मतलब यहाँ पे जो है आपका अकाउंट चेक किया जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। अगर आप डेबिट कार्ड चूज करते हो तो आपको जो है डेबिट कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है वो नंबर फिल करना होगा, सीवीवी नंबर फिल करना होगा, एक्सपायरी डेट फिल करना होगा। उसके बाद उस बैंक से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करोगे, उसके बाद आपके अकाउंट में जो है एक रुपया भेजा जाएगा। एक रुपया आपके अकाउंट में सक्सेसफुली चला जाता है तो आपका अकाउंट जो है 100% यहाँ पे सक्सेसफुली एड हो जाती है। वहीं अगर आप नेट बैंकिंग से करोगे तो नेट बैंकिंग में जो है यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होकर दिखाना होगा, उसमें भी जो है आप सबको एक रुपया भेजा जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप सबको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद नीचे जो है आप सबको यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है टर्म एंड कंडीशन का, इसको टिक करना है और यहाँ पे सबमिट का बटन मिलता है, सबमिट पे क्लिक कर आपको आगे बढ़ जाना है। अब फाइनली सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो है ऑटो पे सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। मतलब यहाँ पे आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब आपको यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका 100% जो है लोन आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब आप जैसे ही आगे बढ़ोगे यहाँ पे देख सकते हो साइन लोन एग्रीमेंट, मतलब यहाँ से जो है आपको IIFL जो कंपनी है लोन जो आपको दे रही है वो यहाँ पे एग्रीमेंट करा रही है। मतलब यहाँ पे जो रुपया आप ले रहे हो उसको जो है आपको सही टाइम पे आपको पेमेंट करना है, इंटरेस्ट रेट के साथ जो भी चार्ज लगेगा उस चार्ज को जो है आपको पे करना है, उसके लिए जो है यहाँ पे आपको एग्रीमेंट करना है। तो एग्रीमेंट करने के लिए जो है आप सबको यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को टिक करना है, उसके बाद एक लंबा चौड़ा लिस्ट आएगी उसको जो है आप सबको एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो है आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा जो कि ये लास्ट अप्रूवल होता है। यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगी 6 डिजिट का ओटीपी जो है आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद जो है वेरीफाई पे क्लिक कर आपको आगे बढ़ जाना है। वेरीफाई पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके अकाउंट में जो है पैसा भेज दिया जाएगा जो कि लाइव यहाँ पे आप सबको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन जो है कंप्लीटेड हो गई है। मतलब जो भी प्रोसेस है हम सारे प्रोसेस को जो है कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे कंग्रेचुलेशन देख सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन चेकड, ठीक है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट 2 डेज वर्किंग, मतलब 2 दिन के अंदर जो है आपके खाते में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कि नीचे यहाँ पे डिटेल्स दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी इजी होता है अगर आप सही तरीका से लोन अप्लाई करते हो तो, और यहाँ पे 100% जो है आप सबको लोन मिलने का चांस बन जाता है। अगर आपका सिविल ज्यादा खराब है और यहाँ पे भी जो है आप सबको लोन नहीं मिल रहा है तो आपको जो है हम काफी सारा लोन एप्लीकेशन के अंदर बताया है जो कि बिना सिविल स्कोर के बिना इनकम प्रूफ के भी जो है आप 50,000 तक का लोन इजी तरीका से ले सकते हो। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो और वहां पे जो है आप सबको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, उसमें से कोई भी वीडियो देखकर आप लोन अप्लाई कर सकते हो।